हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जहांगीर क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राहुल और मैं आज से आपको क्लास 10th की साइंस करवाऊंगा, जिसमें हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इस पार्ट में हम छोटी सी चीज़ें से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों को कवर करेंगे और सभी प्रश्नों को साथ में देखते हुए और जो भी बीच में जो क्रियाकलाप आते हैं, एक्सपेरिमेंट आते हैं, हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमें पार्ट का नाम है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये पार्ट किसके बारे में है। तो यहां पर दो शब्द यूज में हुए हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा कि जो कि भौतिक परिवर्तन होते हैं, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत होता है जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं आती है, और भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत होती है जो भौतिक अभिक्रियाएं या रिएक्शन है वो आती है। तो भौतिक परिवर्तन तो मैं हम आपको बड़ा बड़ा एक बार बता देता हूँ क्या होता है। भौतिक परिवर्तन होता है जो कि उत्क्रमणीय होता है। सबसे पहले क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है जो कि उत्क्रमणीय होता है, अर्थात दोनों दिशाओं में होता है। जैसे कि मैंने क्या किया, बर्फ का टुकड़ा लिया, बर्फ के टुकड़ा से क्या बन गया, मैंने उसे हवा के अंदर छोड़ दिया खुले में, तो उससे जल बन जाएगा। और जल को अगर मैं वापस फ्रीजर के अंदर डाल दूं तो क्या बन जाएगा, वापस बर्फ बन जाएगा। अर्थात यह दोनों दिशाओं में हो रहा है, यानी बर्फ से पानी भी बन रहा है और पानी से बर्फ भी बन रहा है। इस चीज को क्या बोलते हैं हम, उत्क्रमणीय। दूसरे क्या चीज होती है जो कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, वो क्या चीज होती है, भौतिक परिवर्तन होते हैं जो कि क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी होते हैं, अस्थायी का मतलब जैसे कि मैंने ये बर्फ से जल बन जाता है, ठीक है, तो जल से वापस क्या हो जाए, बर्फ भी बन जाता है, ये चीज होगी उत्क्रमणीय। अस्थायी का मतलब ऐसे तो है नहीं कि बर्फ से जब जल बन गया तो इसको वापस क्या होती है, बर्फ बनाना नामुमकिन हो जाता है, यानी हम उसको वापस क्या करते हैं, बर्फ है, बना सकते हैं। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर अस्थायी चीज बोलेंगे। तीन नंबर इसमें पॉइंट आता है, भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उसमें होते हैं जो कि मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मूल गुण होते हैं ना जो किसी भी पदार्थ के गुणों में कोई चेंजेस नहीं होता है। मूल गुण होते हैं ना उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने सेब लिया, सेब को अगर हम दो भागों में काट देते हैं बीच में से, तो सेब को काटने के बाद वो रहेगा तो सेब ही ना, ऐसा तो नहीं वो कुछ और जैसे आम बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं, वो सेब है, सेब ही रहेगा उसको दो भागों में काटने पर। हाँ, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। ये बात भी नोट करना कि जो जब भौतिक परिवर्तन होते हैं तो उस समय जो पदार्थ होता है ना उसके पदार्थ के आकार व अवस्था में परिवर्तन भी होता है। मेन चीज यही है, आकार व अवस्था, अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। आकार में कैसे परिवर्तन हो गया, जैसे सेब था, सेब को हमने दो भागों के अंदर कट कर दिया, ठीक है, तो उसके आकार में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन उसके मूल गुण, यानी सेब है तो उसका मूल गुण क्या, सेब है मतलब वो सेब ही रहेगा, उसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो गया। ये बड़ा बड़ा हो गया कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मेन टॉपिक है हमारा, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं के समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे भौतिक परिवर्तन थे उसका लगभग उल्टा बोल सकते हैं कि क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन होती है। उसके बारे में देखो, रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना जो, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या क्या पॉइंट आएंगे वो देखो, कि सबसे पहले तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब एक बार जो कोई पदार्थ है में कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है, किसी भी पदार्थ या तत्व के अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो वो स्थायी होगा, मतलब उसे हम वापस उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे कि हमने लिया
सोडियम प्लस क्लोरीन, इससे क्या बन गया नमक NaCl, इसको क्या बोलेंगे सोडियम, इसको बोलेंगे क्लोरीन। ये दोनों क्या होते हैं आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं NaCl, जिसको बोलते हैं हम नमक। अब नमक से हम वापस क्या होते हैं सोडियम और क्लोरीन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं हम स्थाई। उसके बाद में क्या होता है ये होती है जो कि अनुत्क्रमणीय होती है, अनुत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय मतलब सिर्फ एक ही दिशा के अंदर होगी, दोनों दिशाओं के अंदर नहीं होगी। जैसे कि ये दोनों का एक इन स्थाई का और अनुत्क्रमणीय का एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, जब लकड़ी जलेगी तो क्या होगा उससे राख बनेगी। अब क्या हम राख से वापस क्या हम लकड़ी को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये जिस भी चीज़ में जब जलने की बात आ जाती है ना, वो किस परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं आपको याद रखना होगा कि वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो लकड़ी का जलना, कागज़ का जलना, वो किसके अंतर्गत आएंगे रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन उससे मतलब वापस लकड़ी या जो कागज़ जल गया उससे वापस लकड़ी या कागज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है किसी पदार्थ के अंदर, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके रंग, रंग में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। वह जब कोई रासायनिक प्रक्रम या परिवर्तन होता है तो क्या होता है कोई गैस, किसी प्रकार की कोई गैस होती है ना, वो क्या होती है बाहर निकलती है उस रासायनिक परिवर्तन के दौरान। अर्थात कोई गैस होती है वो, कोई गैस निकलती है, निकलती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर अंतर्गत के रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन होते हैं, रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, और जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो किसी प्रकार की क्या होती है कोई गैस निकलती है, ठीक है। तो उसके बाद में एक और देखो कि इसके अंदर क्या होता है जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता ही होता है। पदार्थ के जो मूल गुण होते हैं ना, पदार्थ के मूल गुण, मूल गुण में परिवर्तन निश्चित रूप से ही होगा, कन्फर्म है, 100% बोल सकते हैं कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके मूल गुण होते हैं ना, जो भी पदार्थ में के अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसके अंदर अंतर्गत क्या होगा, मतलब उसके पदार्थ के मूल गुण में कोई चेंजेस अवश्य ही होगा। एक और देखो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है नेक्स्ट, के रासायनिक परिवर्तन जब होता है ना तो उसके अंतर्गत एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। इसके अंदर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक नए ही पदार्थ का निर्माण होता है जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। और रासायनिक परिवर्तन के क्या बोल सकते हैं कि जब जिस भी पदार्थ के अंदर कोई रासायनिक परिवर्तन हो गया है उसे हम वापस पुनः उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बात भी इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट है। अब देखो कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस भी पदार्थ के अंतर्गत कोई रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो जो उस रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए देखो अब देखो कि रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब क्या होता है रिएक्शन, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, उस समय क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है। तो अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखो, जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ या तत्व मिलकर
एक नई पदार्थ का निर्माण, पदार्थ या क्या बोल सकते हैं, तत्व का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। करते हैं तो उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर देखो, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या चीज, रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ या क्या बोल सकते हैं, रासायनिक तत्व क्या होते हैं, जब मिलकर कोई एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए ही पदार्थ का निर्माण होगा जब रासायनिक प्रक्रम या परिवर्तन होता है ना, उस समय मैंने आपको बताया था कि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन, याद कर लेना, ये एक नंबर के अंतर्गत एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद देखो, रासायनिक अभिक्रिया को समझाने के लिए आपके पाठ के अंदर यानी चैप्टर के अंतर्गत कुछ एक एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन वाला होता है, जो कि क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, मैग्नीशियम किसको बोलते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम M और G के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, मैग्नीशियम रिबन। अब इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है एक्सपेरिमेंट करने की, ये देखो कि ये पाठ हमें बताना चाहता है कि किस चीज़ में रासायनिक अभिक्रिया हो रही या नहीं हो रही, इस बात को प्रूव करने के लिए उसने ये कुछ एक एक्सपेरिमेंट हमें बताई है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसको बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट है। उसके अंतर्गत क्या होता है, जो एक मैग्नीशियम की होती है जो कि रिबन, या उसको बोल देते हैं हम कई बार छड़ भी बोल देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम की छड़ होती है एक, ठीक है, वो आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर दिखाई जाएगी, को हम जब किसी बर्नर या की सहायता से जब जलाते हैं ना, तो वो एक श्वेत या चमकीली लौ के साथ जलती है। ठीक है, जैसे कि क्या हम जैसे दीपावली के अंदर फुलझड़ियाँ नहीं होती, उसी प्रकार से एक चमकदार लौ के साथ जलती है। उसकी जो राख होती है ना, जो या बोल सकते हैं हम पाउडर या चूर्ण, उस पाउडर या चूर्ण को हम एक पेट्री प्लेट डिश के अंदर या एक प्लेट बोलते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखो, इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं, इस बात का पता कैसे लगेगा, कि इस बात का पता लगाने के लिए क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ किसकी उपस्थिति में जलती है, आपको पता होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2। जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो ये पहले क्या थी, एक धातु यानी कि क्या थी, ठोस अवस्था में था। ठीक है, तो उसके बाद में, जलने के बाद में यह किसी अवस्था में हुए, हमें छोटे छोटे पाउडर या चूर्ण के रूप में इसकी होती है, जो कि पाउडर या चूर्ण या राख बोल सकते हैं, वो हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर देखो, अब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला आता है अवस्था में, ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, अवस्था के अंदर परिवर्तन हो गया ना, अवस्था के अंदर चेंज, अवस्था के अंतर्गत क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। ठीक है, अब देखो हम उसके बाद में क्या था, एक था रंग में परिवर्तन, रंग के अंदर परिवर्तन। ठीक है, तो रंग में परिवर्तन कैसे होगा, ये देखो, ये तो हो गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, उसके अंदर आपको बता दिया अच्छे से कि क्या होता है, एक मैग्नीशियम की रिबन ली जाती है, मैग्नीशियम बोलते हैं, वो आपको दिखा दी जाएगी, फिर उसको हवा की उपस्थिति हम जलाते हैं, तो हमें एक चूर्ण या पाउडर, ये चूर्ण या पाउडर बोलते हैं, जो चूर्ण या पाउडर होगा वो देखो उसका सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनता है। हमने लिया क्या था, ओनली ऑन मैग्नीशियम Mg लिया था, और हमें मिला क्या है, MgO, एक नया तत्व या परमाणु बोल सकते हैं, जुड़ गया ना इसके अंतर्गत। तो क्या होता है कि मैंने बताया था एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, यहाँ पर तो ये सिर्फ मैग्नीशियम था, यहाँ पर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम याद रखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, यहाँ पर नया पदार्थ हमें प्राप्त हो गया है। ठीक, हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि राहुल सर ने भी आपको समझाया रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जिसमें आपको एक एग्जांपल दिया गया था मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो आपको उत्पाद प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। साइंस जब आप थ्योरिटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल करते हो तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ते हो आपके आंखों के सामने
होती हुई दिखती है तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है। वैसे भी हमारा जो माइंड है वो वर्ड्स पे नहीं पिक्चर पे काम करता है, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ये होती है मैग्नीशियम रिबन। अगर आप इसका कलर देखोगे तो जलने से पहले कुछ इस कलर की है, लेकिन जब इसको जलाएंगे तो जलने के बाद एकदम वाइट हो जाएगी। तो चलो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो कौन स्टूडेंट आना चाहेगा? कौन सा स्टूडेंट है? मैं एक ही तो हूँ, वो भी तो ढंग का नहीं है। तो चलो, ये मैग्नीशियम, ये बर्नर है, सारा कुछ यहाँ सामान रखा हुआ है। ध्यान से मैग्नीशियम रिबन को माचिस है होल्डर में पकड़, उसको जला ध्यान से थोड़ा। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो जब मैग्नीशियम तो जलेगा तो जैसे दीपावली पे आप फुलझड़ी जलाते हो वैसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से जलती है। तभी आप ये जलेगी तो आप देखना थोड़ा जलने में टाइम लेती है, उसके बाद देखना बहुत ही खूबसूरत तरीके से जलती है और इसकी लाइट है वो बहुत ज़्यादा होगी। और इसकी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा होगी। और पीछे मम्मा का शॉल है, जला मत देना, प्रैक्टिकल अपनी जगह है, घर की चीज़ें अपनी जगह हैं। कि पीछे से लाइट ज्यादा आ रही थी तो इसलिए इसको यहाँ पे लगा दिया गया। पत्नी होती है जलाने के लिए नहीं करें बच्चे तो शायद दिन की रोशनी में भी आपको थोड़ा ढंग से शायद नहीं दिखे। जैसे आप देख सकते हो इसको हम नाइट में जलाएंगे तब इसका एक शॉट तैयार करेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे नोटिफिकेशन पे प्रेस कर देना ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो ये जलने के बाद कुछ यूं प्राप्त होगा, ये हमारा प्राप्त हुआ है जो है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद के जो भी साइंस में प्रैक्टिकल होंगे वो हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ कर पाए। तो अंत में हमारे पास उत्पाद प्राप्त हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए व्हाइट कलर का है, यही सेम आपको सर ने पढ़ाया था। तो इसे साबित होता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम प्राप्त नहीं कर सकते, यही आपको सर ने समझाया। जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है वो एक दिशा में होती है। बाकी आगे लेसन आप सर से पढ़िए, जो भी आपके प्रैक्टिकल होंगे वो हम ऐसे ही साथ साथ जरूर करेंगे। अब देखो उसके बाद हम दूसरे जो था, पहले तो क्या था, अवस्था के अंदर परिवर्तन हो गया। अब देखते हैं कि रंग के अंतर्गत परिवर्तन। अब आता है रंग के अंतर्गत परिवर्तन। अब रंग के अंतर्गत परिवर्तन कैसे होगा? देखो अगर हम नीला थोता, नाम आप में से सभी लोगों ने सुना होगा नीला थोता, कॉपर सल्फेट बोलते हैं, CuSO4 नीला थोता। और इसका रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, ठीक है। अगर कॉपर सल्फेट का एक हम क्या बनाएं, जलीय विलयन बनाएं। क्या बनाएं? जलीय विलयन। देखो जलीय विलयन बनाने के लिए कॉपर सल्फेट होता है ना, जो नीला तोता होता है वो ना एक ठोस अवस्था के अंदर जैसे कंक्रीट के भांति होता है, ठीक है, बड़े बड़े, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? उसको जल के अंदर घोल कर हम एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे, ठीक है। जल के अंदर घोल लिया नीला तोता का, ठीक है। अब देखो हम एक लोहे की कील लेते हैं, लोहे की कील लेते हैं, उस कील को अगर हम किसकी, लोहे की कील, लोहे की कील के अंदर क्या होता है? लोहा। लोहा किसको बोलते हैं? फेरस को। Fe जिसका सूत्र होता है, क्या बोलते हैं, लोहे की कील होती है ना, उसके अंतर्गत क्या होता है? लोहा होता है। लोहे को किस रासायनिक तत्व के रूप में लिखेंगे, किसके रूप में लिखेंगे? Fe के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जब नीले थोते के विलयन के संपर्क में जब ये कील आएगी, ठीक है, नीले थोते का जब विलयन बनता है तो वो नीले कलर का होता है, याद रखना, ब्लू, नीले रंग, नीले रंग का सॉल्यूशन बनता है नीला थोता, इसीलिए इसका नाम होता है नीला थोता। विलयन होगा तो उसके अंदर घोलेंगे तो वो ब्लू कलर का होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब लोहे की कील को जब इस विलयन के अंतर्गत डुबोया जाता है ना, तो क्या होता है, जब ये डुबोने के लगभग कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ देर बाद क्या होता है, इस विलयन का रंग होता है जो कि क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। पहले नीला था, अब इसके बाद नीला नहीं रहेगा, वो हल्का नीला हो जाता है या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया एक्सपेरिमेंट आपका नंबर दो, उसके अंतर्गत क्या सिद्ध हो गया कि रंग के अंतर्गत क्या होता है, परिवर्तन। तो उसके बाद बच गए दो, कौन सा? एक तो
तापमान के अंतर्गत क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ लिया कि अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, सॉरी अवस्था के अंतर्गत, अवस्था के अंतर्गत परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद किस में, रंग में। अब क्या रह गया, तापमान, ये दो तो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब रह गया तापमान व कोई गैस निकलती है, वो कोई गैस निष्कासित होती है या निकलती है, निष्कासित बोल सकते हैं, ठीक है। कोई गैस क्या होती है, निष्कासित होती है। उसके लिए आपके क्या एक्सपेरिमेंट दिया गया है, देखो एक्सपेरिमेंट के अंदर देखो क्या दिया गया है। अगर हम एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आपको दिया गया है कि अगर हम जिंक, जिंक किसको बोलते हैं, देखो जड अन, इसको बोलते हैं हम जिंक, ठीक है। जिंक किसके रूप में होता है, दानेदार अवस्था के रूप में होता है, जैसे छोटे छोटे वो आपको दिखाया दिया जाएगा। जिंक कैसे होता है, दानेदार अवस्था के रूप में होता है, जो कि जिंक होता है। अगर जिंक को हम किस में, तनु या फिर क्या बोल सकते हैं, सांदर, ठीक है, किसे तनु या सांदर, H2SO4, H2SO4 क्या होता है, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये एक तीव्र अम्ल होता है, ठीक है। अम्ल आपको आगे चैप्टर आएगा उसके अंदर बता दिया जाएगा कि अम्ल और क्या होता है। अम्ल ये होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, अम्ल होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम अगर जिंक को मिला दें, किसको मिला दें, जिंक, जिंक को मिला देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक कुछ समय के बाद अभिक्रिया के द्वारा क्या होती है, एक गैस इसके अंदर बनती है और वो गैस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस, वो जो होती है वो बाहर निकलती है। तो इसके साथ ही तापमान में के अंदर जब कोई गैस निकलती है किसी अभिक्रिया के द्वारा अंतर्गत, तो उसका तापमान भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो उससे क्या होगा, जो बिकर है या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो प्रखनली ली होगी, तो उसका तापमान के अंदर भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर ये भी सिद्ध हो गया कि ये चार आपके क्या थे, एक्सपेरिमेंट थे जो हो गए हैं। उसके बाद हेलो स्टूडेंट, तो जैसे कि राहुल सर ने अभी आपको समझाया कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसमें आपको एग्जांपल दिया गया है, आपको जिंक और H2SO4 का एग्जांपल दिया गया है जिसमें कि हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होती है। तो चलो हम इसका प्रैक्टिकल वो करते हैं। तो मेरे पास ये प्रखनली है जिसको हम स्टैंड पर रखते हैं और कुछ इसमें से तनु H2SO4 ड्रॉपर की सहायता से डालते हैं। जब भी आप प्रैक्टिकल करो तो विशेष तौर पे ध्यान रखें कि वो केमिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकते हैं अगर आप उनने उनका सावधानी से यूज नहीं किया। तो जब भी आप अगर इसका इस्तेमाल करें तो थोड़ा ध्यानपूर्वक बिना टीचर की अनुमति के उनका इस्तेमाल न करें। तभी हमने इसमें थोड़ा सा H2SO4 तनु H2SO4 सांद्र और तनु दो प्रकार के होते हैं। अभी मेरे पास ये तनु है, सांद्र भी है, लेकिन हमें यूज़ क्या करना है इसमें, तनु H2SO4 यूज़ करना है। और इसके बाद हमें कुछ ये जिंक है जैसे कि सर ने आपको बताया कि आपको किसकी आवश्यकता है, जिंक और H2SO4 की। तो अभी कुछ ये दो टुकड़े हैं वो मैं जिंक के इसमें डाल देता हूँ। सावधानी बरतें जब भी आप ऐसा काम करें। इसमें अब क्या होता है, H2 गैस है वो रिलीज होती है। मगर आपको इसमें दिखाऊं तो अगर आप इसमें चेक कर पा रहे हो तो आपको जिंक के आसपास, मैं इसको थोड़ा सा फोकस इसका ऑफ करके फिर आपको दिखाता हूँ। यह देखिए आप आराम से चेक कर पाओगे, इसमें कैमरे के जिंक के पास पास अगर आप देखोगे तो छोटी छोटी बूंद बनी हुई है। किसकी है, वो H2 गैस की है। जिंक के साथ H2SO4 मिलाया था, आप देखिए इसमें जो बुलबुले बने हुए हैं वो H2 गैस के हैं। ये हमने पढ़ा था, ऐसे प्रक्रिया कुछ होती है, ये देखिए आप आराम से देख सकते हो।